जुगाड़ में भारत के लोगों का कोई भी मैच नहीं है। समस्या कैसी भी हो, हम भारतीय जुगाड़ से उसका समाधान निकाल ही लेते हैं। यूं कहना गलत नहीं होगा कि जहां इंडियंस वहां जुगाड़, और जहां जुगाड़ वहां इंडियंस। फिर चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल में बदलना हो, या फिर किसी लकड़ी से बुलेट बाइक बनाना हो। बिहार के बगहा के एक शख्स ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया है। खास बात यह है कि इस मॉडिफाइड गाड़ी की बुकिंग कई दूल्हे कर चुके हैं। गुड्डू शर्मा नाम के शख्स ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया है और इसके स्वरूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। गुड्डू ने बताया कि उसने कई बार टीवी पर शादियों में दूल्हे को किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचते देखा था। किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर दूल्हा दुल्हन लाने के लिए पहुंचता था। बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है, लेकिन महंगाई की वजह से हेलीकॉप्टर किराए पर वो नहीं ले पाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद इस शख्स ने एक ऐसी गाड़ी बना दी जो हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है लेकिन उड़ती नहीं है। शादी के लिए गुड्डू 15,000 रुपए किराए पर हेलीकॉप्टर देता है। गुड्डू ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर के बनाने में 1.5 लाख रुपए तक के खर्च आए हैं, जबकि हाईटेक हेलीकॉप्टर बनाने में 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च लग सकता है। भारतीयों की ही तरह दुनिया के कई अन्य देशों में भी जुगाड़ से नई नई चीजों को बनाने वाले लोग मौजूद हैं। ब्राजील के एक शख्स ने स्क्रैप्ड कार के यूज्ड पार्ट्स से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बना दिया था। रोड पर चलने वाला यह हेलीकॉप्टर आसमान में भी उड़ सकता है। हम हिंदुस्तानी कबाड़ से भी सोना निकाल सकते हैं, और महाराष्ट्र के दत्तात्रेय लोहार ने ये एक बार फिर से साबित कर दिखाया। दत्तात्रेय के बेटे का सपना था कि उसके पास भी जीप हो, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने बेटे को नई जीप नहीं दिला पाए। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कबाड़ से जीप तैयार कर दिया और बेटे का सपना पूरा कर दिया। इस जुगाड़ वाली जीप का वीडियो देखकर आनंद महिंद्रा ने दत्तात्रेय को नई बोलेरो भी उस दौरान गिफ्ट कर दी थी। लेकिन अब बिहार के लोग भी जुगाड़ से तरह तरह की चीजें ईजाद कर रहे हैं। मॉडिफाइड चीजों को बनाने में बिहार के लोगों का भी कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि बगहा का ये शख्स एक बार फिर से चर्चा में है, जिसने नैनो कार को हेलीकॉप्टर के स्वरूप में तब्दील कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस नैनो कार को हेलीकॉप्टर बनाए जाने के बाद इसकी बुकिंग भी खूब धड़ल्ले से हो रही है। अभी तक तो कई दूल्हे इसे अपनी शादी के लिए बुक भी करा चुके हैं, और इसकी बुकिंग 15,000 में गुड्डू नामक शख्स, जिसने की इस हेलीकॉप्टर को बनाया है, वो बुक कर रहा है। ऐसे ही कई चीजें बिहार में तरह तरह की निकल कर सामने आती रही है। कई लोग ऐसे है जिन्होंने पुरानी चीजों से नई चीजों का ईजाद किया है। पुरानी चीजों के पार्ट से या फिर कल पुर्जों से एक नई मशीन का या नए चीज का आविष्कार भी किया है। और इसी कड़ी में बगहा के गुड्डू की चर्चा भी आजकल खूब हो रही है। ये खबर भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नैनो हेलीकॉप्टर बनाने के पीछे का कारण भी गुड्डू ने बताया, और बताया कि किस प्रकार वो इस हेलीकॉप्टर को बनाने के बाद पैसे भी कमा रहा है और लोगों को खुशी भी प्रदान कर रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।